Assalamu alaikum, once again I'm back, and of course we're here talking about the 100 million meals, and I'm here to connect with Imran Abbas, and hum dekhte hain ki ji Imran kahan pe hai. Let's try Imran. I'm waiting for you to connect, and is this Imran? No. Okay, where's Imran? Imran se meri baat hai. Imran ne bola ki main request send kar raha hoon. Imran Abbas. Yes, this is Imran Abbas. Send request. I've sent request to Imran Abbas for live session, and I can't see if I'm getting any requests, but guys, आप सब जानते हैं कि ये हमें कैंपेन कर रहे हैं 100 मिलियन मील्स के, और मैं अपने तमाम सेलिब्रिटी फ्रेंड्स जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो दोस्ती में हमारी दोस्ती में इधर आए हैं, जो मुझसे बात करेंगे, और मेरी सनम से बात हुई, मेरी इजाजतम से बात हुई, मेरी सरवन से भी बात हुई, अब इमरान से भी फोन पे बात हुई थी कि दैट ही वॉन्ट्स टू कम लाइव, ऑफकोर्स ही इज देयर. And I'm just waiting. Imran, come on, Imran, come on. I'm waiting for you, Imran Abbas. And I'm thankful to all of them. And tomorrow also, the day after, I'll be talking to a few others. So let's see how it goes. मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग जो 100 million meals हैं, हम उसकी बात करें. हम ये एक कैंपेन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के लिए तो है कैंपेन, एज इन पाकिस्तान में तो हो रही है, बट द पॉइंट इज दैट यस आई एम लुकिंग फॉर इमरान अब्बास. मैं चाह रहा हूँ, एक ये रिक्वेस्ट तो मुझे आई थिंक आई है. आई एम सेंडिंग यू रिक्वेस्ट इमरान, प्लीज. आई गॉट योर रिक्वेस्ट, आई एम सेंडिंग यू रिक्वेस्ट अगेन. आई कांट सी इफ यू देयर, इफ यू कनेक्टेड. वेल आई एम जस्ट ट्राइंग. लेट मी ट्राई अगेन. वेयर इज इमरान? ओके, Imran is not live yet. And Imran, where are you? Hello. Imran se meri baat hui thi aur Imran ne bola ki wo live aa raha hai, so I'm just waiting, and let's see how it goes. Acha janab, ye campaign jo hai, aapko ye bata dun ki 100 million meals yani hamare jo meals, khane jo hote hain, logo khane provide karte hain hum log, aur hum chahte hain ki सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये 20 और मुख्तलिफ ममालिक से ज्यादा ये काम इंशाल्लाह हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि सब लोग मिलके उस दिन कोई भूखा नहीं हो. एंड वी वांट टू फीड देम, एंड दीज मील्स ऑब्वियसली वी प्रोवाइडिंग. ये जी इमरान अब्बास ऑफिशियल इज अनएबल to join. It says he's unable to join. I'm still waiting. We can try again. Come on, Imran, where are you? Okay, now we have to wait. अच्छा, अगर आप लोग मुझे ये भी बताएं कि ये कैंपेन कैसी है. Here it is. Here he is. I mean, I unable to join. Wow, Imran, Mr. Imran, how are you doing? I'm good, Charlie. कैसा है यार? बिल्कुल. एक तो इमरान, थैंक यू सो मच यार, यू जॉइंड इन, एंड यू नो माय सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, मैं इतना रिगार्ड है इमरान फॉर यू, एंड यू नो यू आर माय स्पेशल ब्रो, यू नो दैट. और थैंक यू वेरी मच. आई नो एवरीवन इज ऑक्यूपाइड, एवरीवन इज बिजी, लेकिन इस रमजान के इस महीने में अगर हम कोई नेकी कर सकें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए या किसी के लिए, तो कितनी है बड़ा काम है यार. अच्छा, मुझे बता इमरान, मैं पहले तो पूछ रहा हूँ, रमजान कैसा गुजर रहा है? हाउ इज, कैसा चल रहा है? यार रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है. सबसे अच्छी बात यह कि मैं इस्लामाबाद में गुजार रहा हूँ बहुत अरसे बाद, तो मुझे अपनी वालदा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, वरना हर रमजान में शहर से बाहर ही होता हूँ, कभी भी ट्रांसमिशन या कुछ. इस दफा भी जो मेरी ट्रांसमिशन चल रही है, दैट इज अ रिकॉर्डेड वन, जो मैंने इस्तांबुल से कराई थी, बट आई एम स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माय टाइम विद माय फैमिली. मस्ट बी इंटरेस्टिंग यार, बहुत अरसे बाद, क्योंकि मैं तकरीबन
यू ऑल्सो डू अ ग्रेट रमजान ट्रांसमिशन, बहुत सालों से कर रहे हो, और मैं भी तकरीबन इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 years नाउ दैट आई एम डूइंग दिस ट्रांसमिशन, और मुझे घर पे होने का मौका नहीं मिलता, तो यू मस्ट बी विद योर मदर, तो बड़ी अच्छी मजे की फीलिंग होगी। ठीक बहुत ज्यादा बहुत है। ज्यादा अच्छा, इमरान, ये जो रमजान में हम लोग स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं स्पिरिचुअली, हम चाहते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बेहतर हो जाएं और एक कनेक्शन बन जाए, हम अच्छे काम करें, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस महीने में किस तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने खुदा से? यार सबसे पहले ऐसा ना मुझे तो लगता है कि ये दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू हैव एन यू नो इंट्रोस्पेक्शन, अपने अपने अंदर झांकने का आपको वक्त मिलता है. एंड रोजा एक ऐसी इबादत है जो आप खालिसतन अल्लाह के लिए करते हैं, इसमें आप कोई रियाकारी नहीं कर सकते. बाज लोग दिखावे के लिए कोई भी इबादत करते हैं, लेकिन रोजा एक ऐसी चीज है जो खास अल्लाह और बंदे के दरमियान की एक चीज है, जिसको आप किसी और के लिए नहीं कर रहे होते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. बिल्कुल और फिर ये जो एक एक एक्सरसाइज है, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप खाने से रुक जाएं या आप ऐसी नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाएं, बल्कि अपनी चीजों को अपनी चीजों को बांटने का जो एक अमल है. या मैं कभी भी अपनी चीज इसलिए नहीं कहूंगा कि ये सब कुछ कुछ भी आपका अपना नहीं होता, बेसिकली ये भी आपकी तरफ अल्लाह की देन होती है. तो दिए हुए को आगे देना, इसके जो ये जो प्रैक्टिस है, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट इस रमजान का मेरा ख्याल है, एक एसेंस है, इस महीने की असल रूह है. बिल्कुल और सही, बिल्कुल एक सही। तरह आप जो आप जो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप भी इसमें आप शरीक हैं और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को खाना खिलाने वाली बात. मैं अक्सर देखता हूँ ऐसा कि ये जो एक इफ्तार पार्टीज का जो ट्रेंड चला है, या हम इतना इसराफ कर रहे होते हैं इसके ऊपर और इतना दिखावा कर रहे होते हैं, इसमें कितना ऐसा हो सकता है कि हम अपने अपने खाने की जो लिस्ट है उसको थोड़ा सा कर्टेल करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करें. आपको इतना नहीं चाहिए होता जितना आप रोजा जो है, बेसिकली इसका मतलब ये नहीं, सॉरी मैं बोले चला जा रहा हूँ, नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज बोलो। रोजा ये नहीं है कि आप कुछ घंटों के लिए रुक जाएं और उसके बाद जब आप शुरू करें तो ऐसे होके में वो सारा का सारा ये जो एक फिजिकल यानी एक्सरसाइज क्रेजी नहीं, हो जाना आपकी टेबल पे, हर चीज क्रेजी ही नहीं पड़ हो जाए। जाएगा. रोजे का मतलब यही है कि आप जितनी देर आप रुकें उसके बाद आप म्याने रवी के साथ इसका इफ्तार अपना इफ्तार करें. नबी पाक तो बहुत ही, आप अगर सुन्नत आप देख लीजिए तो कितनी वो एक खजूर से रोजे का इफ्तार करते थे, गर्म पानी या नमक से करते थे. तो इसकी जो जो साइंटिफिक रीजंस हैं वो भी यही है कि आप जब वापस जब इफ्तार करें तो कम से शुरू करें, इसलिए कि वरना फिर सारा सब कुछ जाया हो गया. हम तो यहाँ इतना कुछ खा बिल्कुल लेते हैं सही, जो हमारे बाकी बिल्कुल दिन की भी कसर पूरी कर देता है. कसर तो पूरी, बिल्कुल सही है। बेहतर यह है कि आप कम 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 चीजें अपने इस्तेमाल में रखिए और जो आपके पास और ज्यादा दूसरों के लिए, दूसरों को प्रोवाइड करें, बिल्कुल सही। अच्छा इमरान, एक मौका ये भी है दैट यू कनेक्ट विद योर गॉड, राइट? आपका सबका अपना अपना एक ताल्लुक है अपने रब से, और हर कोई उसकी कोशिश होती है कि वो कोई ऐसे काम करे कि कनेक्शन बन जाए, लोगों की हेल्प करना, ह्यूमैनिटी की हेल्प करने से आपको लगता है कि एक कनेक्शन बनता है अल्लाह से? ऐसा. बेसिकली अल्लाह से कनेक्शन जो है ना, वो ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन आपका उसी वक्त मुमकिन है जब आप उसके बंदों से मोहब्बत करते हुए जाएं. ये जो True. कॉन्सेप्ट है ना कि आप दुनिया छोड़ के अल्लाह की तरफ लग जाएं और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें, ये हमारे मजहब में नहीं है, रहबानियत हमारे मजहब में नहीं है. अल्लाह अपने बंदों के तभी करीब होता है जब आप उसके बंदों से करीब होते हैं. सो ये कैसे मुमकिन है कि आप सब कुछ छोड़ के और सिर्फ अल्लाह की याद करें और बाकी उसके बंदों के आप जो हकूक है वो पूरे ही ना करें, दिस इज इम्पॉसिबल. तो ये तो बेस्ट टाइम है कि इसमें आपको इतना मौका मिलता है, ये जो भी आप चैरिटी करते हैं या कोई भी सोशल वर्क करते हैं या कोई भी ऐसा काम जो आपको आपके ऐसे लोगों के साथ करना जिनसे आपको रिटर्न की तवक्को ना हो, ये जितना True. इम्पोर्टेंट इस का एक जो है कहते हैं ना कि रूह है इस बात की, इस पूरे के पूरे महीने की, वो यही है कि आप अल्लाह से करीब होना चाहते हैं तो आप बेशक नमाज रोजा सब अपनी जगह, बट
आपके जो हुकूक लिबाद है आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, और यही रास्ता है अच्छा अल्लाह तक। अच्छा इमरान, 100 मिलियन मील्स का जो ये एक सिलसिला है, व्हाट डू यू फील के देखो, हम लोग हर रोज देखते हैं कि चाहे रमजान हो चाहे रमजान नहीं भी हो, वी आई नो यू आर आल्सो वेरी एक्टिव इन अ लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज, और मैं सरमत से भी बात कर रहा था, वो भी इतनी एक्टिव है, और भी मेरे जितने भी हमारे दोस्त हैं सब लोग, जब भी किसी को अप्रोच किसी ने किया कि यार हमारे लिए आप एक शार्ट आउट दे दें, हमारे लिए ये कर दें, एक्टिविटी कर दें, सब एक्टिव होते हैं, वे आर ऑलवेज देयर। डू यू फील दैट 100 मिलियन मील्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत से मुल्कों में हो रहा है, तो क्या ये सबको इंक्लूड और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा? बिल्कुल। एक और बात ऐसा, मैं आपकी बात को ही बल्कि मैं आगे एक्सटेंड करूंगा कि हमारा मजहब जब इंसानों से बेहतरी, इंसानों की भलाई की बात करता है, तो वो दैट इज बियॉन्ड एनी रिलीजन और नेशनैलिटी और एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री। आपको ये नहीं, बड़ा खूबसूरत आजकल एक एड चल रहा है, मैंने मुझे पता नहीं किसकी कैंपेन है, कि वो लड़की इफ्तारी बना रही है और अपने वो बाहर मोहल्ले में बांट रही है, तो उसका सर्वेंट कहता है कि अरे आप उस घर में क्यों दे रही है, माँ तो मुस्लिम नहीं है, तो कहती है कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके लिए अच्छा सोचें। आई वाज सिलेक्टेड बाय अभी टर्किश गवर्नमेंट के साथ में जा रहा था तंजानिया फॉर द सेम पर्पस जो आप कर रहे हैं, उसी उसी का तरह मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। तो आप ये भूल जाइए कि आप किसी मुसलमान की भलाई कर रहे हैं, मुसलमान के लिए कुछ कर रहे हैं, या किसी क्रिश्चियन के लिए कर रहे हैं, या किसी गैर मुस्लिम के लिए कर रहे हैं, सब बेसिकली जो इंसान है हमें उनका सोचना चाहिए। इस मौके पे जो आप 100 मिलियन आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप वो सिर्फ किसी खास सेक्ट या किसी खास रिलीजन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आप एक जेनेरिक एक ऐसा एफर्ट है जो आप सबके लिए। एग्जैक्टली इमरान, ये it's gonna be happening in more than 20 countries inshallah, aur UAE mein I'm so grateful that humne worldwide ye campaign dekhi hai, UAE mein se start hui, wohi log ye campaign chala rahe hain, aur Hindustan mein ho rahi hai, aur bahut jagahon pe ho rahi hai. I'm glad that they brought this here in Pakistan, and now me, you and a lot of other actors are part of it, and we're there for this purpose, and I'm so happy कि अभी हम लोग सब मिलके ये काम करेंगे जहां जहां भी। मुझे लगता है ये एक एक वो वाली स्ट्रेंथ बनेगी कि तमाम मुल्क, इंडिया हो, यूएई हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, ये पूरा सब लोग मिलके अगर हम ये कैंपेन एक ड्राइव एक बन जाए तो कितना जबरदस्त हो, कि हर जगह मील्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डू यू फील के ये हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे ले आएगी, है ना? ऑफ कोर्स देखिए, मैं तो हमेशा इस बात बिलीव करता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इतने जितने पाकिस्तानियों के दिल खुले और हमारी कौम के दिल खुले हैं, जो मुश्किल वक्त आता है कभी भी, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटते। पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू चैरिटी, तो लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, और कुछ नेगेटिव अनासर अगर किसी सोसाइटी में हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी पूरी की पूरी खराब है। तो ये वक्त है कि हम लोगों को बताएं, सारी दुनिया को बताएं कि हम कितने खुले दिल के और कितने फराख दिल लोग हैं। बिल्कुल इमरान, आप ये देखो, कल पूरा दिन ट्रेंडिंग होता रहा इंडिया में, वी बीन हियरिंग दीज बैड, बहुत बुरी खबर के इतना कोविड फैल रहा है और लोग बेचारे बहुत तकलीफ में है, तो हमारे पाकिस्तानियों ने एक ट्रेंड बनाया कल, पूरे ट्विटर पे हर जगह ट्रेंड था कि इंडिया के लोग तकलीफ में, वी वर ऑल प्रेइंग फॉर देम। सो बेसिकली आज इमरान खान ने ट्वीट किया, इमरान खान साहब ने, कि जो वहां के लोग हैं हम उनके साथ खड़े हैं, यू नो, सो यहां से हमें ये फीलिंग आती है, यू नो, इट ब्रिंग्स अस क्लोजर, ये इंसानियत की एक फील होती है यार, कि बेसिकली वी ऑल ह्यूमंस एंड वी टुगेदर, वी आर द सेम प्लैनेट, वी आर सेम breed, we're basically same breed, you know. Yeah. Achha, end mein, I think baat to bilkul hamari khatam ho gayi, humne kafi, I want you to tell people ke kis tarah ye cheez hame inspire karegi 100 million meals, aur kis tarah hame iske liye donate karna chahiye. इसकी सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे हसन, वो जो भी इसका है जो सिलसिला है वो टेक्निकलिटीज में तो मैं जान नहीं सकता, डेफिनेटली आप बेहतर इस बात को बता सकेंगे कौन से, ठीक है, इस तरह सारा का सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा।
लेकिन मैं यही जो आपने बात की है वो कितनी जबरदस्त है कि आप रीदी साहब ने अब्दुस्तार रीदी साहब के जो जो साहबजादे हैं उन्होंने वहाँ ऑफर एम्बुलेंसेज किया। रोड नेट हाँ वो यस ऑफर किया है। यस और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना ऐसे, ये बेसिकली उस बहुत हार्श जो एक सख्त दिल को मोम करने वाली बात होती है। जो मुश्किल में आपको अब किसी के साथ होता है ना तो वो मोहब्बत कहते हैं ना, मोहब्बत फाते आलम वाली बात है कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है जब जंगें होती हैं या जब कुछ वो होता है, तो उस वक्त तो डेफिनेटली आप अपने आपकी लॉयलिटीज आपके मुल्क के साथ होती हैं, आप बहुत नेगेटिव भी बोल रहे होते हैं पॉजिटिव भी बोल रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए दूसरे के लिए। वो एक नेचुरल जज्बा है जो सबके अंदर से निकल कर आता है, चाहे वो क्रिकेट सही मैच हो सही चाहे वो जंग हो। लेकिन ऐसे मौकों पे आपको पता चलता है कि कितने कितनी मोहब्बतें अभी भी बाकी हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है किसी भी डिप्लोमेटिक स्टेट ऑफ अफेयर में, मतलब दो मुल्कों के करीब लाने के लिए ये छोटी छोटी चीजें जो है यू कैन नॉट इमेजिन हाउ फार दे कैन गो। तो ये तो बहुत ही कमाल की चीज है जो आप कर रहे हैं और जो लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया। ठीक है इमरान, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू वेरी मच, एंड स्टे सेफ एंड स्टे द वे यू आर, द अमेजिंग ह्यूमन बीइंग यू आर, एंड आई ऑलवेज हैव अ स्पेशल यू नो वो कहते हैं ना एक स्पेशल रिगार्ड फॉर यू, बिकॉज हम लोग इतना एक दूसरे को मिलते हैं जानते हैं, एंड आई नो फॉर श्योर वन थिंग दैट यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन, यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन इमरान, Same थैंक goes यू to you. सो मच यार, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ यार। Before I leave and before we leave, I would like to congratulate you for conducting such a beautiful transmission. I was following your transmission for past many थैंक यू days. इमरान, मैं मुसलसल देख रहा था, कभी नहीं थैंक देखता, लेकिन जितना भी ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल अमल होता है पाकिस्तान में एक मजहबी ट्रांसमिशन को कंडक्ट करना वो इन सच चलाना, अ डिसेंट वे। So, mashallah, you're doing it very well, and थैंक यू इमरान, एज वी ऑल वांट टू इवॉल्व एंड वी ऑल वांट टू बिकम बेटर ह्यूमन, सो आई एम ऑलवेज, आई नो यू डू द सेम वे। मकसद इसका करने का ये होता है कि एज अ स्टूडेंट व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम आवर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, इट्स सो अमेजिंग दैट द फील्ड वी आर इन, हम जिस फील्ड में, इसमें आप इतने मुख्तलिफ लोगों से बात करते इंटरेक्ट करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना और आपका जो सोच का दायरा होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये जबरदस्त बात है यार, थैंक यू सो मच मैन, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग 100 मिली मील्स, यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, IGTV पे मैं ये डाल रहा हूँ मेरी जान, और यू हैव टू प्लीज रीपोस्ट दिस, ठीक है, लोग देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है इमरान अब्बास के तो दुनिया भर में फैंस हैं और हमें बहुत ज्यादा मीट्स मिलने वाले हैं इसके बाद, इंशाल्लाह राइट, इंशाल्लाह गुड ऑल लक मैन, द टेक गुड केयर, थैंक यू ब्रो, बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।